गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। आज मुझे कुछ ज़्यादा खास काम नहीं है तो मैंने सोचा आज थोड़ा समय किचन गार्डनिंग में गुजार देते हैं। आज यहाँ पर मेरे यहाँ मिस्त्री नहीं आए हैं क्योंकि उन्होंने कल देर में जैसा 3-4 बजे पिलर लगाया था, तो इस करके वो लोग आज आएंगे तो लेट ही आएंगे और मुझे कोई ज़्यादा काम भी नहीं है, तो इस करके मैं सोचा आज थोड़ा किचन गार्डनिंग कर लेते हैं। किचन गार्डनिंग में मैंने काफ़ी सारा कुछ लगाया हुआ है। इसमें मैंने अल्ट्रा आइडेंसिटी के कुछ पेड़ भी लगाया है। आज चलो उन्हीं में खाद पानी करते हैं और कुछ थोड़ा बहुत तोलिया टाइप का भी बना देंगे। चलो दिखाते हैं आप लोगों को। और आप मेरे वीडियो में नए हैं तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें। भैया जी, आप देख सकते हैं इस जगह में आलू बिजाई करके रखा हमने। 10-1 किलो आलू गया इसमें, अब ये निकल भी चुका है। देख सकते हैं आप, एक दो आलू जो वो इस जगह में देखेंगे, एक दो आलू निकल भी गए हैं। 3-4 महीने के बाद ये निकलने को तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर ये प्याज डाला हुआ है और इसके साथ ही ये आप पौधा देख सकते हैं, ये अनार का जो अपने खाने के लिए रखा हमने। ये तो 3-4 पौधे थे, अब बाद में सारे काट दिए, तो उसके बाद अब एक ही रखा अपने खाने के लिए। और इस जगह में ये देखिए लहसुन और धनिया डाल के रखा है। बेच भी देते हैं हम, बाकी थोड़ा बहुत अपने खाने के लिए रखते हैं। और यहीं साथ में ये आप देख सकते हैं, ये है जुगाड़ के खाने पीने का जो बेस्ट होता है उसको हम यहाँ रखते हैं इस जगह में। और इसका किचन गार्डनिंग के लिए खाद के रूप में उपयोग करते हैं। बाद में काफ़ी सारा निकल जाता है, मतलब कि हमारा गुजारे लायक हो जाता है। यहाँ पर हम खाद खुद को ज़्यादा खरीदते नहीं हैं, इसी से गुजारा हो जाता है। और ये है जी अपना अल्ट्रा आइडेंटिटी सेब के पौधे लगाए हैं। ये वाला पौधा देखिए आप, ये वाला पौधा कल मिस्त्रियों ने पता नहीं क्या किया, ऊपर से पट्टे पुट्टे फेंक दिए कि क्या किया, सारा तोड़ दिया है। इतना हेल्दी पौधा था उसको तोड़ दिया, इतना दुख हुआ और इतना गुस्सा आया। ये अल्ट्रा आइडेंटिटी में प्रेम चौहान जी के अल्ट्रा आइडेंटिटी से प्रेरित होकर मैंने लगाया था टेस्टिंग के लिए। ज़्यादा अच्छा वो तो नहीं कर पाया हूँ, दूसरा साल कम्प्लीट हो गया है इनको, ये तीसरे साल में लगने वाला है। शायद इस साल कुछ एक सैंपल भी दे सकते हैं, 3-4 पौधे दे सकते हैं सैंपल। ये वाला पौधा भी काफ़ी अच्छा था लेकिन तोड़ दिया इसको ऊपर उन्होंने। और ये शायद ये वाले शायद हो सकता है आगे के जो 8-10 पौधे हैं इस बार दे सकते हैं, 2-4 सेब का सैंपल दे सकते हैं। देखिए मैं इनका प्रेम चौहान जी के बगीचे में भी गया था स्पेशली इनका वो अल्ट्रा आइडेंटिटी का प्लांटेशन देखने। उनके बराबर तो मैं मेहनत नहीं कर पाता हूँ, मैंने तो ऐसे ही डाल दिया था यहाँ पर। मैं कहा चलो देख लेते हैं, कुछ आ गया तो खा लेंगे, नहीं आ गया तो देखेंगे। और इस जगह में ये सलाद, यहाँ पर ये सलाद लगा के रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये स्ट्रॉबेरी, इधर भी प्याज और मूली डाला हुआ है। अभी मैं इनमें थोड़ा बहुत खाद पानी का भी डालने का सोच रहा हूँ, तो मैंने सोचा उससे पहले आप लोगों को अपने किचन गार्डनिंग का दिखा देता हूँ। थोड़ा गोबर का खाद और थोड़ा वो लाया हुआ केचुआ खाद लाया हुआ था मैंने, उसको डाल दूंगा अभी। और कुछ 12-32-16 या 19 का 19 डाल देता हूँ अभी। मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है कौन कौन सा खाद किस टाइम डालते हैं, मैं आइडिया से ऐसे डाल देता हूँ। चलिए अब खाद डालने का काम करता हूँ, ले आता हूँ मैं कुछ एक खाद। ये है जी टाटा का जियो ग्रीन, अभी मैं इसको डाल रहा हूँ इसमें।
और थोड़ा इसको डाल के इसको खुदाई मार देंगे। ये पौधे सारे उसमें हैं, क्या बोलते हैं, सीडलिंग प्लांट से, एक भी डॉर्फ में नहीं है। ये डॉर्फ बोलते कि पता नहीं क्या बोलते हैं, उसमें नहीं है, सारे सीडलिंग वाले हैं ये। अब थोड़ा ही रह गया जी, 8-10 पौधों में डालने का काम रह गया है, और इसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा कुदाली मार देंगे। आज ये डाल देंगे और कल थोड़ा यूरिया वगैरह का, यूरिया या 12-32-16 डाल देंगे। पूछता हूँ मैं, अपना अजय भाई है, अजय पुरपा जी है, उनको पता है इस बारे में सारा कुछ, उनसे पूछ के डालूँगा कौन कौन सा खाद डालते हैं और क्या क्या डालते हैं बोल के। ये वैरायटी जो है वो सारा गाला का है, इसमें सारा गाला डाला है, यहाँ से इधर को कुछ एक वैरायटी है और यहाँ से इधर को कौन सा वैरायटी था वो तो मैं भूल गया हूँ, और ये है सारा सीडलिंग नहीं है। ये हो गया जी, अब इसको थोड़ी देर में कुदाली मार दूंगा। अब शुरू होता हूँ जी मैं इसको मिक्सिंग का काम करने, थोड़ा थोड़ा तौलिया भी हो जाएगा इसके लिए, तौलिया जैसे बनाने का काम हो जाएगा। ये है जी किचन गार्डनिंग का काम, कैसा लगा आप लोगों को, कुछ आप लोगों के पास सुझाव हो तो बताना, कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में।